देख सकते हो स्क्रीन जो है बिल्कुल ही खराब दी गई है और स्क्रीन फेडिंग भी। फेस आईडी इज नॉट अवेलेबल यहाँ पर मेंशन साफ साफ कर दिया गया है कि इस बॉक्स के अंदर है आईफोन 10 यानी आईफोन एक्स सुपर सेल कैसीफाई से रिफर्बिश्ड हमने परचेस किया है। प्राइस है 10,310 रुपये। डी माइनस ग्रेड में हमने डिफेक्टिव डिस्प्ले वाला फोन ऑर्डर किया है और देखते हैं कि डिफेक्टिव डिस्प्ले मिलता है या नहीं मिलता है। और आई क्लाउड लॉक्ड हमें इस फोन में देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल अनलॉक फोन रहेगा। किसी भी सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चारों तरफ से पैक है, जल्दी से मैं इसे कट करता हूं। हालांकि ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने ऑर्डर करवाया था मुझसे, पेमेंट उन्होंने पहले ही कंप्लीट कर दिया था और बिल मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। कैसीफाई आपने देख लिया होगा, प्राइस देख सकते हो 10,310 रुपये। आईफोन 10 364 का वेरिएंट है, सेकेंड हैंड डी माइनस ग्रेड का है, तो कैसीफाई का ही बिल दिया गया है देख सकते हो। काफ़ी लोग कहते हैं चोरी का होता है और काफ़ी लोग कहते हैं भाई डमी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर सब आता है कि कैसीफाई पर आपको चोरी वगैरह का देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कैसीफाई सुपर सेल से ये मैंने फ़ोन लिया हुआ है और फ़ोन कुछ इस प्रकार से पैक करके दिया गया है। नीचे भी एक बबल रैप, इसे हम साइड रखते हैं भाई और आ जाते हैं फ़ोन पर, देखते हैं फ़ोन किस कंडीशन का दिया गया है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हो स्क्रैचेस हैं काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। डिस्प्ले पर काफ़ी स्क्रैचेस आपको हेयरलाइन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे, यहाँ भी देख सकते हो आप, क्लियर आपको दिख रहा होगा। बैक पैनल पर भी आपको काफ़ी यूजर सिंबल देखने को मिलेंगे, हेयरलाइन स्क्रैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन कैन डिफेक्टिव जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी था सवाल और काफ़ी लोगों ने मुझे अनबॉक्सिंग के लिए भी बोला था, तो देख सकते हो डी माइनस ग्रेड में स्क्रीन कैन डिफेक्टिव, लेकिन यहाँ पर कोई डिफेक्टिव वगैरह तो नहीं देख रहा हूँ मैं। हो सकता है अंदर कोई डिफेक्ट नज़र आ जाए ऑन करने के बाद, बट ऐसा कुछ भी मेरे को यहाँ पर ग्लास वगैरह ब्रोकन नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी पैनल वगैरह डैमेज नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पैनल को खोला गया था क्योंकि यहाँ पर मुझे खुली नज़रों से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस फ़ोन को खोला गया है। हो सकता है रिपेयर वगैरह किया गया हो या तो कुछ पार्ट वगैरह चेंज किया गया हो, लेकिन ये फ़ोन जो है कहीं ना कहीं खुल चुका है, मुझे ऐसा फील हो रहा है देख के। और दोनों ही बिल्कुल स्क्रू जो है इसमें बिल्कुल टाइट किए हुए हैं। बारकोड और स्टिकर 48 आवर्स के बाद ही रिमूव करो, अगर आप डी माइनस ग्रेड तक भी लेते हो तो। ई ग्रेड में आपको कोई वारंटी वगैरह नहीं मिलता है, 48 आवर्स की रिटर्न वगैरह नहीं मिलती है, वैसे वारंटी तो मिलता ही नहीं है, 48 घंटे की रिटर्न पॉलिसी होती है ओनली सुपर सेल कैसीफाई में। तो आप इसे रिमूव बाद में ही करें, चेक कर लें पहले 48 घंटे तक आपको कोई डिफेक्ट या डैमेज नज़र आता है जो मेंशन नहीं किया गया था क्यूसी रिपोर्ट में, तो आप उसे वापस कर सकते हो। ऑन कर लेते हैं इस फ़ोन को और देखते हैं डिस्प्ले वगैरह कैसा दिया गया है। अगर डिस्प्ले वगैरह ठीक ठाक दिया गया है, ट्रू टोन वगैरह वर्किंग है, तब समझ लेंगे भाई कि डिस्प्ले भी ओरिजिनल है और फ़ोन भी ठीक ठाक दे दिया गया है। देखते हैं बैटरी वगैरह चार्ज है या नहीं इस फ़ोन का। फ़ोन ऑन हो चुका है देख सकते हो। आईफोन 10 में आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है और यहाँ पर देख सकते हो आपको डिवाइस की कंडीशन डिस्प्ले पर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल लाइन आप देख रहे होगे लेफ्ट साइड में, बिल्कुल बड़ा सा लाइन दिया गया है
और नीचे आपको एक स्पॉट भी नज़र आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सा बिल्कुल लाइन दे दिया गया है और नीचे स्पॉट भी है। इस साइड तो ठीक ठाक दिया गया है। इस भाई ने ये फ़ोन परचेज़ किया है यानी ऑर्डर करवाया था मुझसे, उन्हें भी ये चीज़ मालूम था कि हो सकता है कि डिस्प्ले डिफेक्टिव आ जाए। और यहाँ पर देख सकते हो फेस आईडी वगैरह का ऑप्शन आ चुका है, बट हमें मेंशन किया गया था कि फेस आईडी वर्क नहीं करेगा, बट मैं जल्दी से सेट करके देखता हूँ फेस आईडी वर्क करता है या नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ देख सकते हो फेस आईडी इज नॉट अवेलेबल, यहाँ पर मेंशन साफ साफ कर दिया गया है कि फेस आईडी बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ देख सकते हो कोई भी हमें ट्रू टोन का सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, डार्क मोड और नाइट शिफ्ट ऑफ का, बाकी ट्रू टोन का एक सपोर्ट होता है जो कि हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल ही कॉपी है, यानी कि डुप्लीकेट डिस्प्ले आफ्टर मार्केट वाला लगाया गया है। और सबसे अब अहम बात होती है कि भाई फ़ोन की जो है वो डिस्प्ले के साथ साथ मैं बैटरी हेल्थ भी चेक कर लूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ बैटरी हेल्थ में, यहाँ देख सकते हो बैटरी, और बैटरी हेल्थ में यहाँ बैटरी सर्विस शो हो रहा है, यानी कि बैटरी जो है वो सर्विस शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो योर बैटरी हेल्थ इज सिग्निफिकेंटली डिग्रेडेड, आपकी बैटरी जो है ख़राब हो चुकी है, ऐसा कुछ कह रहा है यहाँ पर। लेकिन हो सकता है कि भाई आफ्टर मार्केट बैटरी लगाई गई हो तो बैटरी अभी ठीक ठाक ही चल रहा है, मैंने काफ़ी टाइम इसे यूज किया है। मैं कल ही अनबॉक्सिंग किया था इस फ़ोन का और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि कल कॉपीराइट आ जाता, गाना चल रहा था, हमारे आसपास शादी हो रही थी, तो इसमें बैटरी मैंने कल ही चार्ज किया था। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखो लास्ट चार्ज मैंने 100% किया था मंडे को यानी कि कल, और देख सकते हो यहाँ पर 4:24 PM में मैंने किया हुआ था, और बैटरी की लेवल आप देख सकते हो, यानी कि आफ्टर मार्केट का बैटरी लगाया गया है जिसके कारण से हमें बैटरी हेल्थ भी शो नहीं हो रहा है। शायद किसी नॉर्मल मैकेनिक से लगवा लिया हो, तो यार बैटरी भी चेंज है, डिस्प्ले भी चेंज है इस फ़ोन का। आपने क्लियर सा देख लिया है कि बैटरी हेल्थ हमें ना शो हो रहा है, ना ही ट्रू टोन हमें सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। मैं चलिए एक बार कैमरा वगैरह ऑन करके देखता हूँ, कैमरा तो वर्क कर रहा है, बट ये कैमरा जब तक डिस्प्ले आप चेंज नहीं करा लेते हो किसी काम का नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो कैमरा वगैरह तो क्लियर है, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल वर्क कर रहा है। मैं फ्रंट कैमरा भी ऑन करता हूँ तो ये फ्रंट कैमरा भी वर्क करता हुआ बिल्कुल नज़र आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर में भी। और यहाँ पर से मैं वीडियो वगैरह बना लेता हूँ तो इससे मुझे माइक और स्पीकर का भी टेस्ट का मालूम हो जाएगा कि माइक स्पीकर दोनों वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो भाई माइक और स्पीकर दोनों वर्क कर रहा है बिल्कुल ही, और ये रिंगर बटन जो है जैसे कि साइलेंट वगैरह आप करते हो तो ये भी वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। सिम लगाते हैं इस फोन के अंदर और देखते हैं भाई नेटवर्क वगैरह आ रहा है या नहीं, सिम सपोर्ट कर रहा है या वो भी नहीं कर रहा है, चेक कर लेते हैं हम। तो नेटवर्क तो आ चुका है हमारा, देख सकते हो, तो मैं कॉल भी कर लिया हूँ 198 पर, और हम देखते हैं भाई कि सेंसर वगैरह वर्क कर रहा है या नहीं। बिल्कुल कर रहा है, सेंसर वगैरह तो बिल्कुल वर्क कर रहा है, तो ये सारे चीज़ तो बिल्कुल ठीक है, कॉलिंग वगैरह हो रहा है, नेटवर्क वगैरह बिल्कुल ओके है। तो जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि फ़ोन में रियलमी में डिस्प्ले डिफेक्टिव दिया गया था, मेंशन किया गया था सुपर सेल कैसीफाई पर पहले से ही ऑर्डर करने के टाइम कि डिस्प्ले डिफेक्टिव देखने को मिलेगा, जो हमारे सब्सक्राइबर को ऑलरेडी पहले से पता था, मैंने बता दिया था उन्हें। और बैटरी जो की है वो भी सर्विस शो हो रही थी हमारे इस फ़ोन में, बैटरी की परसेंटेज शो नहीं हो रही थी। बाकी कंडीशन तो आपने फोन का देखा ही था, फिजिकल कंडीशन किस प्रकार का दिया गया था। तो आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो समझ में जरूर आया होगा। डी माइनस ग्रेड में अगर आप कोई फोन ऑर्डर करते हो या परचेस करते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा भाई, हो सकता है आपको फोन ज्यादा डैमेज देखने को मिले, या तो हो सकता है आपको डिस्प्ले ठीक भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए यार आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, थोड़ा और पैसे लगा करके कोई अच्छा सा फोन ले सकते हो। आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।